बन गया हमारा मेरा, इसका वीडियो पूरा करना छूट गया। तो ये बन गया जी आज हमारा लोड़ी का स्पेशल डिश। देखो शायद कम डाला है इसकी वजह से ये थोड़ा फीका भी दिखने में लगा है, लेकिन टेस्टी थी। चावल के साथ जो बनाते हैं वेलकम बैक टू माई चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग, आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। और आज है लोहड़ी का दिन, तो आप सभी को मेरी फैमिली की तरफ से हैप्पी लोहड़ी माई यूट्यूब फैमिली। और आप सभी लोहड़ी किस तरह से सेलिब्रेट करने वाले हैं वो मुझे कमेंट में करना। और अभी है शाम का टाइम और शाम से अभी व्लॉग की शुरुआत होने वाली है। और लोहड़ी के दिन का जो भी आज हम लोग करने वाले हैं, किस तरह से सेलिब्रेट करेंगे वो आपके साथ शेयर करूँगी मैं। और आज सुबह से इतना ज़्यादा काम रहा और जिसकी वजह से मतलब मैंने पहले सोचा था कि सुबह से शुरू करूँगी, लेकिन सुबह से करते करते अभी शाम हो गई है। सुबह का कपड़े का वगैरह का था, बच्चे नहलाने थे, खुद भी नहाना था और घर की तैयारी साफ़ सफाई करने में ही दिन बीत गया। और वैसे भी आजकल छोटे छोटे दिन होते हैं, टाइम का बिल्कुल नहीं पता चलता। तो अभी शाम के टाइम से सेलिब्रेशन की तैयारी होगी, छोटी मोटी सी ही होती है, हम वो बहुत ज़्यादा मतलब अपने घर में ही सेलिब्रेट करते हैं। और उसके लिए आज क्या खास खाना बनने वाला है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और कल होगा त्यौहार का दिन, और जिस दिन हम लोग अपने मायके में जाते हैं त्यौहार खाने के लिए। और इस बार मेरे मायके वाले भी त्यौहार सेलिब्रेट करेंगे, मेरी दादी होने के बाद वो पहला भी त्यौहार करने वाले हैं। जैसे हमारे यहाँ होता है कि जब कोई अपना एक्सपायर होता है तो उसके जो तीन त्यौहार होते हैं वो छोड़े जाते हैं, तो मेरी अम्मा होने के बाद तीन त्यौहार आ गए हैं, अब ये लास्ट था तो ये उन्होंने मतलब कर लेना है। तो उसके चलते मुझे चाची की कॉल आई थी कि हम ये त्यौहार कर लेंगे, तो मैं कल जाऊंगी अपने मायके और मायके में आपके साथ शेयर करूंगी क्या क्या करूंगी। और उसके बाद मैं कहीं और भी जाऊंगी, वो आपके को दिखाऊंगी मैं कहाँ जाने वाली हूँ। और दिन में लोहड़ी मांगने के लिए और बैंड बाजे नहीं ढोल वाले थे वो लड़के दो, तो उनका भी थोड़ा सा शूट किया था वो, मैं बीच में आपको क्लिप डाल दूँगी, आप लोग भी देखना। वो पंजाब से आए थे और उनका हमने नंबर वगैरह भी लिया, उनसे बात भी की, अच्छा बजा रहे थे, मतलब माहौल बना। तो मैंने तो कहा नाचो, लेकिन सिम्मा थोड़ी शर्मा गई अच्छे से, मतलब उन्होंने हमें इंजॉय करवाया। और अभी थोड़ी तैयारी कर लेते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ आज हम खाने में क्या बनाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो के साथ बने रहना और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको। तो आज खाने में बनाया जा रहा है मदरा, जिसके लिए जो दही है रख दिया है। तो ये दही पूरी तरह से जब अपना तेल छोड़ने लगेगा, बिल्कुल सूख जाएगा और सिर्फ तेल रहेगा इसमें, उसके बाद इसमें राजमा डालेंगे। राजमा को हमने रखा है बॉईल करके, और इस तरफ है खिचड़ी डाली वो भी बन जाएगी। और वहाँ पर आटा रखा है मैंने क्योंकि मम्मी के लिए चपाती बनानी है, तो ये इसको भी देखना पड़ता है, नहीं तो ये नीचे गिर जाता है। तो ये तैयार होने में पूरा एक घंटा लगता है इसको बिल्कुल बनने में, तो ये अभी टाइम लेगा, तब तक मैं आटे का काम कर लूँगी। तो इसको यहीं पे छोड़ूंगी बनने के लिए, तब तक जल्दी से आटा लूँगी बना के, और फिर जब ये बन जाएगा तो जल्दी से बनाएंगे और करेंगे पूजा। तो यहाँ पर इसने दही ने थोड़ा तेल छोड़ना शुरू कर दिया, छुपा
ये सारा भी और टाइम लगना है क्योंकि बिल्कुल ही छोटे छोटे बारीक बारीक दानों की तरह बन जाएगा। उसके बाद इसमें हम राजमा डालेंगे। तो ये बन गया हमारा मैदा। इसका वीडियो पूरा करना छूट गया। तो ये बन गया जी आज हमारा लोढ़ी का स्पेशल डिश। देखने में तो टेस्टी लग रहा है, अब खाने में देखने लग रहा है। और यहाँ पे हमारी खिचड़ी से भी खा रहे हैं इसलिए थोड़ी कम हो गई है। यहाँ पे मैं चपातियाँ बनाने लगी मम्मी के लिए। और यहाँ पे हैं चावल वाइट वाले, और यहाँ पे जो तिल चोली होती है चढ़ाने वाली वो है। इसमें मम्मी ने थोड़ा गुड़ शायद कम डाला है, इसकी वजह से ये थोड़ा फीका भी दिखने में लगा है, लेकिन टेस्टी थी। चावल के साथ जो बनाते हैं ये था सब कुछ चढ़ाने वाला जो लोढ़ी में हम लोग चढ़ाते हैं। तो ये तो एक दो दिन खाएंगे सभी, क्योंकि ये मेरे हस्बैंड और मेरे देवर काफ़ी पसंद करते हैं इस तरह की चीज़ें। तो ये मम्मी से बनवाया आज गुड़ वगैरह, ये डाला गुड़ मम्मी ने बड़ा बड़े पीस करके ना, तो मैं अच्छे से छोटी से चपाती बना लेती हूँ पहले मैं, उसके बाद करती हैं आगे की बात। तो अभी टाइम हुआ है रात के 9:45 और बच्चे अभी सो गए हैं, लेकिन मुझे एक बड़ा ही ज़्यादा ज़रूरी काम करना है जो है पैकिंग का। तो ये पैकिंग किस लिए हो रही है, मुझे कहाँ जाना है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताती हूँ। लेकिन पहले मैंने जो कपड़े निकाले हैं उनको डाल लेती हूँ, और पहले बच्चों की डालूँगी, उसके बाद देखते हैं अपने लिए कितनी जगह बचती है, क्योंकि बच्चों के कपड़े एडजस्ट होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहले बच्चों के डालती हूँ, उसके बाद अपने लिए देखती हूँ कितनी जगह बचती है मेरे लिए। वैसे मैंने अपने भी निकाल लिए हैं, तो इनको डाल लेती हूँ पहले, उसके बाद एक दो काम और हैं वो भी करने हैं। और कल सुबह जल्दी जाना है मुझे मायके, और क्योंकि मम्मी ने भी फिर अपने मायके जाना है, तो दोनों तरफ का बराबर बराबर रखना पड़ेगा। और मम्मी के पहले मैं जाऊंगी, मम्मी उसके बाद जाएंगे, क्योंकि मम्मी का मायका पास में, वैसे है तो मेरा भी पास में लेकिन 10 मिनट का आगे है मेरा, मम्मी का 2 मिनट में आ जाता है। तो चलो जी पैकिंग करते हैं पहले, उसके बाद बात करते हैं, नहीं तो स्वरी टूट गया तो फिर वो बड़ा पंगा करता है मेरे साथ। तो यहाँ पर पैकिंग करना मैं शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं बच्चों के ही कपड़े डालूँगी, क्योंकि विंटर के कपड़े ज़्यादा होते हैं और स्वेटर वगैरह डालनी होती है तो वो ज़्यादा जगह कवर करती है, इसीलिए मैंने पहले बैग में बच्चों के कपड़े निकाल लिए हैं। और मायरा के भी स्वेटर और जैकेट निकाले हैं, ठंडी है और मेरी नानी के यहाँ पे जो है इवनिंग के टाइम में हवा चलती है, तो उनके मोटे मोटे कपड़े ही मुझे रखने पड़ रहे हैं। और मेरे मुझे लग नहीं रहा है कि बैग में मेरी सामान के लिए जगह बचेगी, जिसके लिए मुझे एक और सा बैग लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोनों बच्चों के मैंने कपड़े डाले हैं और थोड़े निकाल के रखे हैं एक्स्ट्रा, सॉक्सेस वगैरह और उनकी कैप वगैरह, तो वो भी एक एक करके डाल दूँगी। और इनर भी रख ली है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि बच्चे बीमार हो, और वैसे भी मुझे सुबह उनको नहला कर लेके जाना है, तो सुबह सुबह नहलाने के लिए के बाद जब हम बाइक में जाएंगे तो थोड़ी सी ठंडी का डर है मुझे। तो सभी कपड़े ऑलमोस्ट मैंने डाल लिए हैं, बाकी जो बच्चे वो सुबह करूँगी। ओके फ्रेंड्स, तो ये था आज का व्लॉग जो लोढ़ी के लिए स्पेशली मैंने आपको बताया था। तो थोड़ी सी मेरी पैकिंग यहाँ पे हो गई है, और जो बची है वो मॉर्निंग में कंप्लीट हो जाएगी। और यहाँ पर हस्बैंड जी अपने फ़ोन को एंजॉय कर रहे हैं, और इनको भी नींद लगी है, लेकिन मैं काम कर रही तो वो भी नहीं सो पा रहे क्योंकि लाइट ऑन थी। और हमने बच्चों के लिए जो हार है वो भी बना लिए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। चिन्मय और स्वरित के लिए हमने बनाए हैं ये हार, स्पेशली मेरे हस्बैंड ने बनाए इस बार, और ये सुबह डलवाएंगे हम बच्चों को। ये भी हर साल बनाते हैं हम, तो कुछ इस तरह से है ये, चॉकलेट वगैरह है, ड्राई फ्रूट है और टॉफियाँ वगैरह है। और इस बार पापा ने ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं दिखाई है, इस बार हमने भी थोड़ी को हेल्प की, और ख़ासकर हस्बैंड ने ही मेरी बनाई है,
तो ये हम भी जब छोटे बच्चे थे तो हमें भी बनाए जाते थे, हमारे मम्मी पापा भी बनाते थे हमारे लिए, तो इसीलिए आज हमारे टाइम आ गए हैं अपने बच्चे को बनाने के लिए। तो ये सुबह जब बच्चे उठेंगे तो उनको डलवाऊंगी मैं, तो सुबह का जो भी व्लॉग होगा वो आपके साथ कल मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ शेयर करूंगी। और जो जाने की पैकिंग है वो भी थोड़ी बहुत हो गई है, बाकी जो है वो मॉर्निंग में कंप्लीट हो ही जाएगी। और ठंडी का टाइम है तो कपड़े ज़्यादा ही डालने पड़ते हैं, तो बस अभी टाइम हो गया है रात के 11 बजे, और सोने का करते हैं जल्दी से क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। तो चलिए गाइस, आज का ये व्लॉग जो था आपके साथ मैंने शेयर किया, प्लीज़ मुझे कमेंट करना आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।